सरगम सही है कि गलत है, चलिए बताइए। सरगम सही है? जी हाँ बिल्कुल सही है। तो ये यहाँ पे उसको भी हम गोले में कर लेंगे, सरगम सरगम, ये सरगम सही हो गया। कटहल टट्टा सरगम, ये तीनों शब्द सही है, जैसे होना चाहिए बिल्कुल वैसे ही लिखा गया है। चलिए आगे हैं अगले पे,
बोलते हुए फर्स्ट टाइम नहीं ना, नहीं सुना है, तो ये रॉन्ग है। फर्स्ट टाइम कोई शब्द नहीं होता है, तो इसको हम ऐसे क्रॉस कर देते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हमें काउंट करना है कि कितने शब्द सही हैं सर्कल में। जो जो शब्द हमने सर्कल में किया वो सारे शब्द सही है, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो ये हमारे टोटल जो है 11, 12, 13, 14, 15, 15, 15 शब्द हमने लिखे थे, 15 शब्द हमने यहाँ पे लिखे थे, जिसमें से आपके 10 सही है और 5 शब्द, जो 5 शब्द आपके जो है वो रॉन्ग है, गलत है। तो हमें क्या करना होगा, इन सारे शब्दों को, ये जो नीचे ब्लैंक्स दिए गए हैं, पहले तो आपने पढ़ा शब्दों को और पढ़ के सर्कल में किया, इससे आपको पता चला कि ये शब्द सही है, और अब आपको उन्हीं शब्दों को नीचे यहाँ खाली स्थान जो दिया गया है उसमें लिखना है, ताकि आपका फिर से रिवीजन हो जाए और आप अच्छे से शब्दों को पढ़ और लिख सके खुद से। तो पहला हो गया हमारा कटहल, क ट ह ल, कटहल। दूसरा ट प ट प, टप टप। चौथा है स र ग म, सरगम, करेक्ट। पांचवा है, चौथा है हमारा शबनम, श ब न म, शबनम। ओके स्टूडेंट, अब अगला क्या है, दस्तक, हम इसी में एडजस्ट कर लिए हैं, द श र थ, दस्तक। आप देखिए इस तरह से ब्लॉकेज और नीचे बना के कॉपीज में इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। अगला जो है देखिए सेकंड लाइन से है, कष्टक, क स र त, कष्टक। फिर उसके बाद क्या है श्री, यहाँ तीसरी लाइन पे आते हैं, थर्मस, थ र म स, थर्मस। ये हमारा थर्मस भी हो गया, ठीक है। ये हमने एक बॉक्स में दो दो यहाँ पे शब्दों को एडजस्ट कर दिया है। उसके बाद क्या है, बर्तन, यहाँ पे हम लिखेंगे ब र त न, बर्तन। ये बर्तन हो गया। उसके बाद गड़बड़, ये लिखेंगे हम ग ल ब ल, गड़बड़। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक हो गया। अभी हमारा एक लास्ट बच रहा है, अजगर। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, अ ज ग र, अजगर। ओके स्टूडेंट, ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये जो 10 जो शब्द है, जो 10 शब्द है, ये सही है, और मैंने इन शब्दों में से चूज किया सही शब्दों को, सर्कल में किया, और उसके बाद इन खाली स्थानों पे इन सारे जो सर्कल सही शब्द थे उनको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ओके, तो आपको ये, आपको पढ़ने में लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए खाली स्थान में आपको दोबारा से लिखना मैंने सिखाया, और कौन कौन से शब्द सही है, कटहल, अजगर, टपटप, सरगम, शबनम, दशरथ, कशरथ, थर्मस, बर्तन, गड़बड़, ये शब्द सही शब्द है। ओके स्टूडेंट, अब ये देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, ये जो 5 जो 5 शब्द दिए गए हैं, ये क्या गलत है, ये तो गलत है ही, लेकिन इन शब्दों से हम इनको उलट उलट कर सभी शब्द इनको भी बना सकते हैं। अगर आपको इसको सीधा करना है, मतलब इन वर्णों से शब्द बनाना है, तो आप बना सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है एक्सरसाइज, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा और आप अपनी घर पे इसको करेंगे। तो पहला हम ले रहे हैं जो न और च और नचक है, इन्हीं शब्दों को, इन्हीं वर्णों को यूज कर कर अभी हम देखिए सही शब्द बना लेते हैं। देखिए कैसे, न और च और नचक, तो इसको हम पहले क्या लिखेंगे, प च, फिर प, उसके बाद न। अब ये देखिए नपचप से क्या बन गया, 55, क्या बन गया 55। अब अगला लेते हैं र व प ल, रावपल, प र व ल, क्या बन गया, रावपल से बना पर्पल।
लास्ट है पसंद। इसके इसे आप सॉल्व करिए कि पसंद से कौन सा शब्द बन सकता है। ओके, तो ये आप सॉल्व करके मुझे जरूर भेजिएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और फिर मिलते हैं न्यू नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में कुछ नया इंटरेस्टिंग लेकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं।